आज शाम को 8 बजे इसका लैंडफॉल एक्सपेक्टेड है, जिसमें 150 से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये साइक्लोन हिट करेगा और कई लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है, घरों में पानी भर सकता है। इसलिए जो भी ऐसे कच्चे घर थे या जो ग्राउंड फ्लोर के घर हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे कहीं पे पानी अगर भरता है तो वो साइक्लोन खत्म होने के बाद निकल जाए, किसी भी तरह का ह्यूमन लॉस या किसी भी तरह का एनिमल लॉस ना हो। इसलिए लोगों से अपील है कि वो या तो अपने किसी अगर उनके कोई और पक्के घर हैं जो डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी है वहाँ शिफ्ट हो जाएं, या जो सरकार की तरफ से 6 शेल्टर कैंप शुरू किए गए हैं वो वहाँ पे इमीडिएटली शिफ्ट। इसमें कोविड माय गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी है, वहाँ पे पावर बैकअप के डबल अरेंजमेंट्स किए गए हैं और साथ ही साथ वहाँ पे सिलेंडर्स भी अदर देन सेंट्रल लाइन हमने एक्सेस सिलेंडर्स भी वहाँ पे हर बेड के साथ एक बैकअप सिलेंडर वहाँ पे रखा है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी पावर फेलियर अगर होता है तो किसी भी पेशेंट की ऑक्सीजन सप्लाई में कोई कमी नहीं हो। डॉक्टर्स की ड्यूटी भी आज से लेकर अंटिल फर्दर ऑर्डर्स हमारा पूरा स्टाफ और सारी डॉक्टर्स की टीम ऑन ड्यूटी रहेगी जब तक ये साइक्लोन द्वीप को क्रॉस करके सिचुएशन नॉर्मलाइज।